केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात से अवगत कराएंगे। राजनाथ सिंह अपने साथ जम्मू कश्मीर गए ऑल पार्टी डेलीगेशन के अनुभव के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी देर रात ही चीन से वापस दिल्ली लौटे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के पुंछ सेक्टर में सोमवार रात से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना की 6 पोस्ट को निशाना बनाया गया है। रुक रुक कर मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। राहुल देवरिया से दिल्ली तक की 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा करेंगे। मिशन की शुरुआत आज देवरिया के रुद्रपुर गांव से हुई है। यात्रा की शुरुआत में राहुल ने किसानों के साथ खाद पर बैठकर पंचायत की। इसे खाद पर चर्चा का नाम दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को अनुशासनहीनता में दोषी करार दिए गए छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर एक हफ्ते तक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के लिए जेएनयू अपीलीय प्राधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दोनों छात्रों को अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया है। बिहार के इंटर टॉपर स्कैम की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट में कल आरोप पत्र दाखिल किया। घोटाले को लेकर दर्ज हुए मुकदमे के ठीक 90 दिन पूरे होने पर एसआईटी ने ये चार्जशीट दायर की है। 4124 पन्नों में इंटर टॉपर घोटाला में शामिल आरोपियों के खिलाफ उनकी सारी करतूतों को एसआईटी ने दर्ज किया है। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए जाने के बाद अब इंटर टॉपर घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। एसआईटी ने बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद, उनकी पत्नी उषा सिन्हा, मास्टरमाइंड बच्चा राय समेत उन तमाम आरोपियों का काला चिट्ठा दर्ज किया है जो इस स्कैम में शामिल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आप नेता आशुतोष को 8 सितंबर को आयोग मुख्यालय में हाजिर होने के लिए समन भेजा है। आयोग को उम्मीद है कि आशुतोष कायरता दिखाकर वकील से जवाब भेजने की बजाय खुद हाजिर होकर आयोग के सवालों का सामना करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने आशुतोष की हरकतों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह आशुतोष पहले ब्लॉग और अब ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे में हम उनसे सवाल तो करेंगे ही। आशुतोष ने सेक्स सीरीज मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बचाव करते हुए कई आपत्तिजनक बातें कही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने फिर नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार की सेक्स सीडी सामने आने के बाद हुए हंगामे पर अन्ना ने कहा कि उन्होंने पहले ही केजरीवाल को आगाह किया था लेकिन केजरीवाल ने उनकी कोई बात नहीं मानी। आम आदमी पार्टी विधायक के संगीन आरोपों का जवाब देने के लिए 24 घंटे बाद खुद संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह ने एक बेहद आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप विधायक देवेंद्र सहरावत को चुनौती दी और कहा कि अगर सहरावत सबूत पेश कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सहरावत ने आपके संजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर पंजाब में टिकट के बदले यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह के मुताबिक दरअसल ये एक षड्यंत्र है बीजेपी और अकाली दल का, क्योंकि हम पंजाब में 100 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे के साथ आज प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे ने ओबामा को मां की गाली दी थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल रात तीसरा शक्तिशाली विस्फोट से दहल गया। कुछ घंटे पहले ही तालिबान की ओर से किए गए 2 बम विस्फोटों में कम से कम 24 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 91 अन्य घायल हो गए थे। इस विस्फोट की अभी किसी भी आतंकवादी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कप्तान विकी पोंटिंग ने एक समय क्रिकेट के मैदान पर उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह की जमकर तारीफ की है।
उन्होंने बताया कि हरभजन उनके दुश्मन नंबर वन थे और उन्हें आज भी भज्जी के बारे में बुरे सपने आते हैं। पाकिस्तान की विश्व कप के लिए स्वतः क्वालिफाई करने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-4 से हारने के कारण अपनी सबसे कम रेटिंग 86 पर पहुंच गया है, जिसे विश्व कप 2019 के लिए स्वतः क्वालिफाई करना मुश्किल होगा।